हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। और भाई मैं जो है यार काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था जब आईपैड मिनी नहीं आया था और भाई लॉन्चेस के बारे में पता चल रहा था कि भाई ऐसा होगा, लाइक रूमर्स आ रहे थे। और लिटरली भाई जब ये आईपैड मिनी 6 लॉन्च किया गया तो उस टाइम पर मुझे जब सबसे पहला थॉट आया दिमाग में वो था कि भाई ये आईपैड थोड़ा महंगा है, ठीक है। बट जब भाई ऐसे रिव्यूज़ वीडियो आनी स्टार्ट हुई और ये सब लाइक वीडियोस देखी मैंने और मेरे को पता चला भाई और इन डेप्थ जाके, तो मुझे ऐसा लगा कि आईपैड मिनी 6 जो है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के अंदर थोड़ा कम है। थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। सो बेसिकली मैं यार पर्सनली जो है आईपैड मिनी 6 परचेस करने वाला था, बट फिर मैंने देखा कि यार ये जो आईपैड है इससे बेटर ऑप्शन मुझे जो लगा वो था आईपैड एयर, या फिर इससे बेटर ऑप्शन मुझे लगा सस्ते के अंदर आईपैड 9। तो इस वजह से मैंने आईपैड मिनी 6 के ऊपर अभी के लिए पॉज लगा दिया, क्या अभी नहीं, लाइक अभी नहीं ले रहा, शायद इन फ्यूचर ले लूँ। तो अभी एक चीज़ जो मुझे मिनी 6 के बारे में थोड़ी बहुत जो पता चली मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत बताने जा रहा हूँ, और ताकि आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए कि भाई आईपैड मिनी 6 के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी लेने से पहले। सो यार आईपैड मिनी 6 में आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आपने कभी भी आज तक आईपैड नहीं लिया किसी भी लाइक साइज़ का, चाहे एयर हो, 9 हो, जो भी जनरेशन हो, कभी आपने कोई आईपैड नहीं लिया तो आप आईपैड मिनी 6 की तरफ अगर जा रहे हो तो एक सबसे बड़ा मेजर कंसर्न मैं आपको बताता हूँ, या फिर सबसे बड़ा एक सवाल जो आपके मन में आ सकता है वो ये है, क्या ये साइज़ सूटेबल है सब चीज़ों के लिए। क्योंकि ये जो साइज़ है इस बार जो है 8.3 इंचेस का जो है, लाइक बेसिकली आप लोग देखते होंगे आजकल आईफोन भी बहुत बड़े हो गए हैं, अगर आप देखो 6.7 इंचेस के तो आईफोन ही आते हैं ना। तो मतलब ये जो मिनी 6 का साइज़ है क्या ये सच में एक टैबलेट साइज़ है। तो ये चीज़ अगर आप लोग इसको लेकर कंफ्यूज हो रहे हो तो देखो भाई ये ना एक फॉर्म फैक्टर वाली बात आती है। यहाँ पे टैबलेट्स जो होते हैं अलग अलग साइज़ के आते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि 7 इंच से जो भी चीज़ ऊपर होती है वो काफ़ी बड़ी होती है और वो टैबलेट चीज़ के अंदर ही गिनी जानी चाहिए मेरे हिसाब से। बट जो एक बहुत कह लो आप टैबलेट सेवी वाला काम होता है ना, लाइक आपको एक मूवी देखनी है बड़ी स्क्रीन के ऊपर, लाइक पोर्टेबल हो लेकिन बड़ी स्क्रीन हो, तो ये 8.3 इंच की आपको शायद कम लग सकती है। क्योंकि और डिवाइसेज जो इस रेंज के अंदर आते हैं लाइक आईपैड की तरफ से अगर आप देखो तो वो 10 इंच तक आराम से मिल जाएंगे आपको इसी रेंज के अंदर, तो ये थोड़ा छोटा है उस मामले के अंदर, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आप लोग भाई ऐसे ग्राफिक वर्क करते हो या फिर आप एक इलस्ट्रेटर हो तो इलस्ट्रेशन के लिए आपको एप्पल पेंसिल चलानी पड़ेगी, और एप्पल पेंसिल चलाने के लिए आप लोगों को एक थोड़ा बड़ा सरफेस चाहिए होगा, ठीक है, जिसके ऊपर आप आराम से वर्क कर सको। तो आईपैड मिनी 6 का जो एरिया सरफेस है वो थोड़ा छोटा है, जिस वजह से अगर आप इसके ऊपर कोई ऐसे ग्राफिक इलस्ट्रेशन वाले काम करते हो तो आपको जो स्क्रीन रियल एस्टेट वो कम मिलेगी, तो आपको वर्क प्रोजेक्ट्स के अंदर वो वाला मज़ा नहीं आ पाएगा। तो इसलिए ग्राफिक वाला अगर आपको बेसिक काम करना है, अगर आपका मेन मोटिव वो है, तो या तो आप आईपैड एयर लो या फिर आप सीधा आईपैड प्रो लो अगर आपका बजट है, और आपका बजट बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा है तो मिनी 6 के अंदर सारी चीज़ें हो जाएंगी, बट थोड़ा सा आप लोगों को ऐसे क्रैम्प होकर करना पड़ेगा, ऐसे कह लो सिमट के करना पड़ेगा एक जगह पे। सो गाइस प्रोज एंड कॉन्स ना हर एक चीज़ के होते हैं, चाहे आप कुछ भी ले लो हर एक चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने थोड़े बहुत बताया भी इसके आईपैड के बारे में चीज़ें। इसी के साथ भाई अगर आप स्टूडेंट हो, एंड स्टूडेंट के लिए मैं एक चीज़ आपको हमेशा बोलता हूँ कि कीबोर्ड होना बहुत ज़रूरी है, बट एप्पल ने आईपैड मिनी 6 के लिए कोई भी ऐसा स्टैंड अलोन कीबोर्ड नहीं निकाला है, जिसकी वजह से अगर आप लोग को भाई टाइपिंग करनी है, नोट्स टेकिंग करनी है, बेसिक काम अगर आपको वाला करना है तो आप इस पर नहीं कर पाओगे एज अ एप्पल का प्रोप्राइटरी कीबोर्ड के साथ, क्योंकि एप्पल के अपने वाले ना तगड़े होते हैं। बाकी हाँ इसके साथ आप लोग एडिशनल जो है थर्ड पार्टी वाले अटैच करके कर सकते हो काम, लेकिन एक ऑफिशियल कीबोर्ड एप्पल ने इसके लिए नहीं लॉन्च करा है। लेकिन आप उसी तरफ देखो तो आईपैड 9 जनरेशन के अंदर हमारे को कीबोर्ड मिल जाता है स्टैंड अलोन टाइपिंग के लिए, तो मेरे को वो थोड़ा ज्यादा बेटर लगा आप नोट टेकिंग की बात करते हो, एक रेफरेंस पॉइंट दे रहा हूँ यहाँ पे। वैसे यार मैं पर्सनली जैसे मैं अगर आईपैड लेता हूँ तो मैं बेसिकली बड़े डिवाइस के लिए लाइक बड़ी डिस्प्ले के लिए लेता हूँ, तो मैं अपना एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है ना। बड़े होने का एक और फायदा ये है कि भाई हमारा चैनल एकदम मस्त दिखता है, और इसके ऊपर ही सब्सक्राइब बटन दबा के ऐसे मस्त बड़ी बड़ी वीडियोस दिखेंगे हमारी। आप शायद पोर्टेबिलिटी देख रहे हो, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर भाई भागा दौड़ी करते हो, आपको काम इस तरीके का है, तो मिनी 6 एक बहुत अच्छा फॉर्म फैक्टर के साथ आ रहा है, बट मेरे हिसाब से वो थोड़ा छोटा है मेरे लिए। अच्छा एक चीज़ और है, अगर भाई गेमिंग की जब बात आती है ना, तो गेमिंग के हिसाब से अगर देखूंगा तो भाई ये जो टैबलेट है हमारा मिनी 6 बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फॉर्म फैक्टर का है, बिकॉज इसके ऊपर BGMI जो है बहुत बढ़िया तरीके से खेल सकते हैं, 4 finger claw। वही अगर आप लोग आईपैड प्रो पे खेलते तो इतना बड़ा होता है वो, या फिर लाइक आईपैड नॉर्मल साइज वाला जो है आईपैड एयर या फिर आईपैड 9 है वो काफ़ी बड़े होते हैं, होल्ड करने में दिक्कत आती है। बट एक क्यूट सा लिटिल सा 8.3 इंचेस वाला आईपैड मिनी 6 बहुत आराम से आपकी सारी गेम्स को प्ले कर लेगा, एंड आपको मज़ा भी आएगा। अब ये नहीं बोल रहा कि भाई इस पर आप कॉम्पिटिटिव खेल सकते हो, क्योंकि शायद ये कुछ बैन वैन है जहाँ तक मैंने सुना है। सो जो रीज़न देखे मैंने वीडियो की शुरुआत करी थी कि भाई मैं अभी मिनी 6 क्यों नहीं ले रहा, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरा आईपैड प्रो भी मेरे पास है, एंड ये डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है अगर आप लोग को भाई नोट टेकिंग करनी है, आपको सब कुछ करना है, तो इसमें बहुत ईजिली हो जाता है, मैंने खरीद रखा है पहले से, तो इसलिए मैं अभी मिनी 6 नहीं ले रहा हूँ। बट हाँ अगर वैसे ये मैं अभी बेच रहा हूँ, तो अगर आप में से किसी को लेना है तो इंस्टाग्राम पर DM कर देना, आईपैड प्रो है M1 वाला बिल्कुल लेटेस्ट वाला। बाकी एक यार बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है जो मिनी 6 मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया, वो सबसे बड़ा फैक्टर है मेरे लिए भी, वो है भाई कि हम लोग मिनी 6 को ना आराम से कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, आराम
आराम से अपने बैग में डाल सकते हैं और पोर्टेबल इतना है कि वो आप गाड़ी में चलते हुए उस पर कुछ रीडिंग करना चाहते हो कर सकते हो। क्योंकि देखो भाई ऑब्वियस सी बात है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि फ़ोनों से वो बड़ा है, यहाँ पे 6.8 6.7 इंच के फ़ोनों से तो वो ऑब्वियसली बड़ा है। तो अगर आप लोग रीडिंग करते हो एंड आप कॉफ़ी शॉप में जाके बैठते हो लाइक कुछ ऐसा है तो आप कर सकोगे उसके ऊपर। लेकिन अगर आप लोग मोस्टली इंडोर्स रहते हो, घर के अंदर रहते हो, आपको घर के अंदर का एनवायरनमेंट है, तो मेरे हिसाब से फिर आपको एक बड़ा आईपैड लेना चाहिए, लाइक आईपैड एयर हो गया या फिर आईपैड 9 हो गया, बजट को देखते हुए अपने। बाकी यार काफ़ी सारे डिफरेंसेस और हैं, मैंने इसके ऊपर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों ने चेक करनी होगी तीनों की कंपैरिजन की वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ये बेसिकली एक आईपैड मिनी 6 की थी, इसमें A15 चिपसेट है जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ओवरऑल जो इसके जो बटन प्लेसमेंट है वो सब चेंज हो गई हैं, मतलब बहुत अच्छा है मिनी 6, जस्ट अभी मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैं ऐसे ज्यादा बाहर नहीं जाता, मैं ऐसे स्टूडियो में रहते हैं तो स्टूडियो में ऐसे बड़े आईपैड से मस्त काम हो जाता है हमारा। सो भाई आज के वीडियो में इतना ही, मेरे को आईपैड मिनी 6 काफी ज्यादा अच्छा लगा है, इंटरेस्टिंग है, बट मैं अभी नहीं ले रहा हूँ उसको। तो अगर आप लोग ले रहे हो तो डेफिनेटली मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना और आपकी जो भी यूजेज है उस हिसाब से डिस्कस करेंगे भाई कॉमेंट के अंदर, लेकिन आपको कौन सा डिवाइस लेना चाहिए इस रेंज के अंदर। और अगर आज की वीडियो थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे को डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन जरूर बताना और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस बाय बाय।